तो अगर आपको भी हरे भरे पकोड़े खाने का शौकीन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ओनियन एंड पालक का पकोड़ा। तो प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस काट लिया है और पालक को भी काट लिए हैं। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डालने वाले हैं हरी वाली धनिया और डालने वाले हैं हरी वाली मिर्च। ये दोनों को डाल के अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक और फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। अगर आप चाहे तो मिर्ची पाउडर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा सा उसमें डालेंगे हम चाट मसाला और फिर डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा, कोई भी आप डाल सकते हैं, पकौड़े के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे इसमें हम 1 से 1.5 कप बेसन डालना है, ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, नहीं तो आपका पकौड़े सिर्फ बेसन ही बेसन हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी उन्हें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं हल्का सा। इसमें हल्का सा पानी डाल के इस तरीके से एकदम सॉफ्ट कर लेना है और ये हमारा बेसन रेडी हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से एक एक करके फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम में ही आपको गैस रखना है। तो ये हमने पकोड़े फ्राई कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा पकोड़े एकदम ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम आराम से निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको पूरा ऐसे ब्राउन करके खा सकते हैं या फिर मैं जिस तरीके से एक एक पीस करके दबाया हूँ, दबा के इसको वापस डालना है, वैसे भी करके खा सकते हैं। तो मैं आपको दो ऑप्शन बता दिया हूँ। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो इस तरीके से प्रेस करके दोबारा डालना पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो वैसे डायरेक्ट आप खा सकते हैं। तो मेरे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये पकोड़े कैसे थे, और इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।